गुड मॉर्निंग हिमाचल, नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आइए देखते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। लोहड़ी पर पुरानी पेंशन का तोहफा, 1,00,000 नौकरियां, सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग फाइनल। स्वारघाट में पंजाब के युवकों से पकड़ी 1 किलो 96 ग्राम चरस, नार्कोटिक्स, कुल्लू की टीम के हत्थे चढ़े तस्कर। भराड़ी में चिट्टा तस्करों ने कांस्टेबल पर किया हमला, आरक्षी के बाजू पर 2 जगह आई चोटें। पार्वती परियोजना के काम को जांचने पहुंची एनएसपीसी की टीम। मंडी में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले को सलाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक तय हो गई है। लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन में यह बैठक होगी। इसका अर्थ ये भी हुआ है कि लोहड़ी के दिन राज्य सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा दे सकती है। कल रात दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखिंदर सुक्खू ने अफसरों के साथ बैठक में कैबिनेट की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। हालांकि अभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटे जाने बाकी हैं और कैबिनेट की बैठक बिना पोर्टफोलियो दिए भी हो सकती है। ओल्ड पेंशन के अलावा इस बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए देने और 1,00,000 रोजगार सरकारी क्षेत्र में देने के मामले भी लिए जा सकते हैं। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स कुल्लू की टीम ने आरटीओ वेरियर स्वारघाट के पास नाके के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने कार सवार 2 युवकों से 1 किलो 96 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपियों की पहचान गौरव और संजीव कुमार निवासी मंडी गोविंदगढ़ के रूप में हुई है। हुआ यूं कि नार्कोटिक्स कुल्लू की टीम ने आरटीओ वैरियर नालियां के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान टीम ने मणिकर्ण से पंजाब की ओर जा रही पंजाब नंबर 1 कार को चेकिंग के लिए रोका तो कार के डैशबोर्ड से 1 किलो 96 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों युवकों को आगामी कार्रवाई हेतु पुलिस थाना स्वारघाट की टीम के हवाले कर दिया है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892-264713 पर। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए गठित की गई एसआईयू टीम पर एक तस्कर ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे टीम का एक आरक्षी चोटिल हो गया। हमले में आरक्षी के बाएं बाजू पर 2 जगह चोटें आई हैं। डीएसपी अनिल ठाकुर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक नशा तस्कर ने पुलिस की टीम पर हमला किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमलावर युवक की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने 5.33 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। जिला कुल्लू में बन रही पार्वती परियोजना के काम को जांचने के लिए एनएचपीसी की टीम यहां पर पहुंची है। निगम के कार्यपालक निदेशक अशोक कुमार ग्रोवर की अगुवाई में टीम प्रोजेक्ट का दौरा कर हर पहलू को जांच रही है। नगवाई में परियोजना प्रबंधन के प्रमुख निर्मल सिंह ने एनएचपीसी की टीम का स्वागत किया। इस दौरान बैठक में परियोजना में कार्यरत उच्च अधिकारियों के साथ साथ मैसर्स गैमन के अधिकारियों से बातचीत कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। टीम ने इस दौरान पार्वती चरण 2 के प्रबंधन से काम में तेजी लाने को कहा। गांधी भवन मंडी में कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इस दौरान कहा गया कि ईमानदार छवि और सादगी से जीवन जीने वाले शास्त्री के कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको सही राह पर चलने की सीख देते हैं।
कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।